गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए और आप उसे तुरंत देख ले। हे गाइस, गुड इवनिंग, दिस साइड इज अवि एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ZMA सप्लीमेंट के बारे में। ZMA सप्लीमेंट जिसको कि बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल एथलीट इसे यूज करते हैं। ZMA कॉम्बिनेशन है जिंक मोनोमिथियोनिन एस्पार्टेट मैग्नीशियम एस्पार्टेट प्लस विटामिन B6 का। ये काफ़ी इफेक्टिव सप्लीमेंट है जो कि आपकी मसल रिकवरी को बढ़ाता है, बूस्टिंग मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, और इवन ये हेल्पफुल है फैट लॉस कराने में। और गाइस, साथ ही साथ इस सप्लीमेंट को यूज़ करने से आपको नींद भी अच्छी आती है रात में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ZMA, ZMA के क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहले बात हम करेंगे गाइस मिनरल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 मिनरल्स होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। गाइस, जिंक जो होता है, काफ़ी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जिंक इन्वॉल्व होता है बॉडी में। जिंक की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जिंक बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ कराने में हेल्पफुल है। गाइस, मैग्नीशियम भी एक एसेंशियल मिनरल है जो कि बॉडी में होने वाले 300 से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। ये ज़रूरी है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एंड एक हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हमारी स्लीप भी पुअर हो जाती है। गाइस, बहुत सी रिसर्च स्टडीज में पाया गया है जिंक एंड मैग्नीशियम मसल साइज, मसल स्ट्रेंथ एंड फैट लॉस कराने में हेल्पफुल है। गाइस, विटामिन B6 बॉडी की हेल्प करता है प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में। कुछ रिसर्च से पता चला है कि ये ब्लड में कुछ सर्टेन अमीनो एसिड्स के लेवल को कम करने के लिए फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के साथ काम करता है, जिससे हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में हेल्प मिलती है। गाइस, अगर एनाबॉलिक फैक्टर की बात की जाए तो रिसर्च से पता चलता है कि ZMA में काफ़ी एनाबॉलिक बेनिफिट्स है। वेस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी बेलिंगहम में एक टेस्ट किया गया जिसमें 8 वीक स्प्रिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में NCAA फुटबॉल प्लेयर्स रात में ZMA या प्लेसबो लेते थे। जिन प्लेयर्स ने ZMA लिया उनका 30% टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुआ एंड 5% इंक्रीज हुआ उनका IGF-1। IGF-1 है गाइस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। और जिन प्लेयर्स ने प्लेसबो लिया था उनका 10% टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हुआ एंड 20% डिक्रीज हुआ उनका IGF-1। जिन भी प्लेयर्स ने ZMA लिया उनके एनाबॉलिक हार्मोन लेवल में इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ एंड पावर भी बढ़ी, साथ ही बेटर स्लीप क्वालिटी भी उनको मिली। बेटर स्लीप क्वालिटी मसल रिकवरी में हेल्प करती है टफ वर्कआउट से। गाइस, सेल्कक यूनिवर्सिटी से 2007 में एक स्टडी में बताया कि जिन लोगों को 4 वीक जिंक सप्लीमेंटेशन दिया उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल रेस्ट करने के बाद और आफ्टर एक्सरसाइज इंक्रीज हुआ। USDA के रिसर्चर्स ने भी बताया कि जिंक कम होने पर मसल एंड्योरेंस भी कम हो जाता है। जिंक का बॉडी में ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। गाइस, वेस्टर्न वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम ने, जिन्होंने ZMA पर पहले भी रिसर्च की थी, उन्होंने एक और रिसर्च की। उन्होंने इस बार प्लेयर्स को 7 वीक लेग ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैग्नीशियम दिया, जिससे उनकी 20% लेग स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज हुई उन लोगों से जो कि प्लेसबो ले रहे थे। गाइस, ZMA बूस्ट करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन को, साथ ही साथ ZMA में मैग्नीशियम होने के कारण यह हमारी स्लीप क्वालिटी को भी बेटर बनाता है। मैग्नीशियम एबिलिटी टू नॉर्मलाइज एंड एक्सटेंड स्टेज 3 एंड 4 स्लो वेव स्लीप। जब हम सोते हैं गाइस तो हमारा ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ता है। गाइस, जिंक थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को भी बनाए रखता है। ये आपके मेटाबॉलिक रेट एंड फैट बर्निंग कैपेबिलिटीज को बनाए रखता है। बॉडी में जिंक कम होने से थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में भी कमी आती है और मेटाबॉलिक रेट भी आपका ड्रॉप होता है। और गाइस, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू बर्न ईच डे। गाइस, जिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है। वीक इम्यून सिस्टम होने से हमको कफ, कोल्ड, फीवर जल्दी लगते हैं और लंबे समय तक बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जिसके चलते मसल वेस्टिंग होती है, साथ ही भूख भी कम लगती है। तो ऐसे में ZMA हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है। गाइस, इंटेंस वर्कआउट ट्रेनिंग के दौरान एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जिससे जिंक एंड मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में लो हो जाता है। साथ ही जब डाइट में इन मिनरल्स की कमी हो तो भी ZMA सप्लीमेंट को ऐड किया जाता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं ZMA को आपको यूज़ कैसे करना है। गाइस, ZMA को कोई भी मेल या फीमेल इसे यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ आपको इसे कब करना है? रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले आपको इसे लेना है। गाइस, जो मेंस के लिए इसकी रिकमेंडेड डोज है वो है 30 mg ऑफ जिंक, 450 mg ऑफ मैग्नीशियम एंड 10-11 mg ऑफ विटामिन B6। सो गाइस, आप जब भी किसी भी ब्रांड का ZMA लेंगे तो उसमें पिल्स का सर्विंग साइज ज़रूर देख ले। सर्विंग साइज इतना ही होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया। ज़्यादातर सप्लीमेंट में 3 कैप्सूल्स लेने को आपको कहेंगे, तो आप mg ज़रूर चेक करें। फीमेल्स के लिए जो ZMA की रिकमेंडेड डोज है वो है 20 mg ऑफ जिंक, 300 mg ऑफ मैग्नीशियम एंड 6-7 mg ऑफ विटामिन B6।
फीमेल्स को दो कैप्सूल लेने हैं, लेकिन जब आप जीएमए सप्लीमेंट लें न्यूट्रिशन फैक्ट जरूर देखें, प्लस सर्विंग पिल साइज में देखें कि जो मैंने आपको डोज बताई है वो आपको मिल रही है या नहीं, आपको ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। सो गाइज, मैंने जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ा है इस वीडियो के लिए, आपको उन सभी रिसर्च स्टडीज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप भी उन्हें पढ़ सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है जीएमए क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से वर्क करता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।